control flow if statement and nested if statement. So in this video we will see what is nesting in the if statement and if statement. So if statement क्या होती है, if statement होती है कि जो कि आपको provide करती है कि आप कोई भी condition रखें और उस condition के base पर आप statements execute करें. For example कि जैसे कि for example number 10 है जो कि एक variable है, उसको आपको check करना है कि for example आपने enter कराया 10 number और अब आप ऐसा program बनाना चाहते हैं कि आप check करना चाहते हैं कि जो number है वो किस नंबर से ग्रेटर है या किस नंबर से लेस देन है, राइट. सो फॉर एग्जांपल कि कंडीशन जो है इफ के अंदर आप ये दे सकते हैं कि नंबर ग्रेटर देन 5 है तो कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट चलाए, जैसे फॉर एग्जांपल कि यस कि नंबर जो है 5 से ग्रेटर है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई और कोड एग्जीक्यूट करे, राइट. सो इसका जो सिंटैक्स होता है, इफ के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर आप कंडीशन देते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं इस कंडीशन के अंदर. अदरवाइज अगर ये जो है कंडीशन फुलफिल होती है, मीन्स ये कंडीशन ट्रू होती है, तभी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. अगर ये स्टेटमेंट, ये जो कंडीशन है, ये जो फेल हो जाती है या फिर फॉल्स जाती है, तो उस केस में ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी और जो इफ जो है डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद जितनी भी बाकी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, राइट. तो इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई है, कंडीशन आपने दी कि फॉर एग्जाम्पल नंबर जो है ग्रेटर देन 5 है या नहीं. इन केस अगर वो ट्रू है तो वो पर्टिकुलर कोड जो है इनसाइड आप इस पार्ट को, जो स्टेटमेंट्स हैं इसको हम बॉडी भी बोलते हैं इफ का, तो ये बॉडी जो है ये एग्जीक्यूट होगी. अगर ये फॉल्स जाती है तो उस केस में ये इस पार्ट को इग्नोर कर देगी, ठीक है, मीन्स इन स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देगी, अदरवाइज ये इसको एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है, ट्रू के केस में. और ट्रू के केस में इस पार्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद ये फाइनली बाहर आकर इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट्स हैं उस कोड को, आफ्टर द इफ स्टेटमेंट्स, वो सभी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, ओके. सो अब आते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में. इसमें क्या होता है कि एक ही इफ के अंदर आप फर्दर इफ स्टेटमेंट लगा दो. सी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने बहुत सारी इफ स्टेटमेंट्स जो है अपने प्रोग्राम में लिखी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैंने जो सिंटेक्स दिया उसको ध्यान से देखिए. इफ के अंदर कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 अगर फुलफिल हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, ठीक है. यहाँ पर इफ की ओपनिंग है, बट अभी हमने इसको क्लोज नहीं किया है क्योंकि हम चाहते हैं इफ के अंदर एक और कंडीशन भी चेक करना चाहते हैं, तो उस केस में हम इसे क्लोजिंग से पहले एक और इफ स्टेटमेंट दे देते हैं और इसके अंदर हम एक और कंडीशन देते हैं, कंडीशन 2. और कंडीशन 2 भी अगर ट्रू हो जाती है तो ये इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद ये बाहर आ जाएगा. अब ये जो है ये क्लोजिंग है इस वाली इफ स्टेटमेंट की, तो इसका मतलब अभी तक यहाँ पर है, ठीक है. अब क्योंकि ये दोनों ही एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, तो अब ये जो है इस वाली कर्ली ब्रैकेट का क्लोजिंग यहाँ पर होगी. इसका मतलब क्या है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरी इफ स्टेटमेंट दे रहे हैं. अगर इन केस ये जो क्लोजिंग है फर्स्ट की, इफ कंडीशन देने के बाद अगर हम यहाँ क्लोजिंग दे देते हैं और फिर एक और इफ कंडीशन है, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट इफ कंडीशन हैं, ये नेस्टेड नहीं होती, राइट. बट क्योंकि एक ही इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने दूसरी देकर फिर क्लोजिंग दी है, तो इस तरह से आप बहुत सारी इफ स्टेटमेंट्स जो हैं एक के अंदर एक दे सकते हैं, ठीक है. तो इसको हम थोड़ा सा और प्रोग्राम में जब एग्जीक्यूट करेंगे आपको और कंडीशन समझ आ जाएगी. यहाँ पर एक बार चार्ट देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है तो कोड जो है कौन सा कोड, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो गई जो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग थी. और अगर ये ट्रू हो गई है तब ये इस दूसरी कंडीशन के पास जाएगा, ठीक है. दूसरी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये इसके कोड को भी एग्जीक्यूट करेगा और बाहर आ जाएगा, और दोनों ही इफ के बाहर जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा. अब देखते हैं अगर इफ जो है कंडीशन 1 फेल हो जाती है, कंडीशन 1 अगर फेल हो जाती है तो ये कभी भी कंडीशन 2 के पास नहीं जाएगा क्योंकि ये इसके अंदर ही है, ठीक है, तो ये सीधा ही बाहर आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट 2 है तभी एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही ट्रू होंगी, क्योंकि कंडीशन 2 का स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगी जब तक कि कंडीशन 1 फुलफिल नहीं हो जाती, ओके. तो नेक्स्ट में हम देखेंगे इफ और एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती है.